हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग आप सभी का मेरी चैनल पिक्सार्ट पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दो बहुत ही यूजफुल ब्लेंड मोड को एक साथ यूज करके बहुत ही सुंदर कलरफुल कंट्रास्ट फोटो हम कैसे बना सकते हैं। तो ले चलता हूं सीधा आपको फोटोशॉप पर। यहाँ फोटोशॉप पर कुछ इमेजेस है मेरे पास, अगर आप चाहो तो ये इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। सबसे पहले मैं यहां ब्लेंडिंग ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूं यूएन सैचुरेशन। जस्ट मैं यूएन सैचुरेशन ओपन कर रहा हूं, इसकी मैं कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ये ब्लू वाइट सैचुरेशन वाले लेयर को मैं कर रहा हूं, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूं कलर बन। देखिए कलर वन से काफी कंट्रास्ट हो गया, कलर वन से डार्क पिक्सल होते हैं जो बहुत ही डार्क हो गए, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, देखिए कोई इफेक्ट मुझे दिख नहीं रही ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो। इसमें ओपेसिटी वर्क नहीं करेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो फील है ये फील उसे मैं कम कर रहा हूँ। आप इफेक्ट देख सकते हैं, देखिए इसमें कंट्रास्ट कितना अच्छा कंट्रास्ट रह चुका है। आप इफेक्ट देख सकते हैं, फोटो में थोड़ा कंट्रास्ट आ गया है। अब देखिए ये बिफोर था और ये आफ्टर है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे यूएन सैचुरेशन, सेम उसकी वैल्यू भी हम चेंज नहीं करेंगे और इसको कर देंगे हम कलर डॉज। गैस आप देख सकते हैं, पहले मैंने किया कलर बर्न और अभी कर रहा हूँ कलर डॉज, यानी ये भी डॉज एंड बर्न की प्रोसेस हो गई है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया कलर डॉज, सेम वैसे भी यहाँ ओपेसिटी को हम टच नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ फील है उसकी वैल्यू कम करेंगे। देखिए ये ओके, आप देख सकते हो फोटो में काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ गया। ये हमारा था पहले वाला फोटो और ये अभी का फोटो है। अभी हम इसमें जो हमने यू सैचुरेशन लिया है उसमें हम सैचुरेशन की वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देंगे। यहाँ मैं इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ले रहा हूँ 70 के आसपास रखा, सेम ऐसा ही ये दूसरा सैचुरेशन है उसकी भी वैल्यू में 70 के करीब रखा। देखिए इफेक्ट हमारी रेडी हो गई है, एकदम फोटो कंट्रास्ट आ गया है, कलर एकदम पॉपअप हो चुके हैं। चलिए दूसरे फोटो में ट्राई करके देखते हैं। सेम ये फोटो मेरे पास यूएन सैचुरेशन एडजस्टमेंट मोड, अभी वैल्यू को टच नहीं कर रहा, इसको मैं कर रहा हूँ कलर बर्न, फिल कर रहा हूँ 14 के आसपास। और एक और यूएन सैचुरेशन लेयर, उसका फिल भी सॉरी तो कर देंगे हम कलर डॉज और फिल उसका कर देंगे कम। नाउ मैं यू सैचुरेशन में जाके सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ भी इसको भी मैं 80 कर देता हूँ, ओके। देख सकते हैं गाइस आप, हमारा ये बिफोर ये आफ्टर बहुत ही प्यारे कलर निखर के बाहर आए। एक और ट्राई करते हैं, यहाँ लिया मैंने यूएन सैचुरेशन लिया और उसको मैंने किया कलर बर्न, फिल मैंने कम कर दिया 10 पॉइंट। एक और सैचुरेशन लिया, उसको मैंने दिया कलर डॉज, इसकी फ्राई की वैल्यू
एक की वैल्यू कर दी हमने, और सैचुरेशन हमने बढ़ा दी उसकी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर पॉपअप हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम दो ब्लेंडिंग मोड कलर बर्न और कलर डॉच दोनों को कंबाइन करके फोटो में बहुत ही प्यारा सा कलरफुल कंट्रास्ट दे सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।